तो ये रही हमारी जीएसआरटीसी की डेकोरेशन बस, आप रूट बोर्ड देख लीजिए मांडवी से अंबाजी। कैप्टन है, उनके लड़के ही है, तो इन्होंने पूरी गाड़ी को सजाया। फिर हमने जामनगर से मंगाया है ये मंदिर, हाँ में ये सब लाइट डलवाई है, हाँ ये पूरा प्राइवेट में ये बम्पर बनाया है, हाँ झालर है मेरी मम्मी ने घर पे बनाया। ये त्रिशूलिया घाट का जो त्रिशूलिया माता जी है ना, हाँ। उसका मंदिर है ये। जय द्वारकाधीश, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे गुजरात राज्य की गवर्नमेंट डेकोरेशन बस सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में। तो अभी मैं हूँ फिलहाल हमारे गुजरात के कच्छ के मांडवी में। आप मेरे पीछे देख लीजिए, इस तरीके से कुछ मांडवी का बस स्टेशन है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और आज की हमारी डेट ऑफ जर्नी है 22 फरवरी 2024। आपके लिए पेश करता हूँ एक और डेकोरेशन बस, एक और मॉडिफाइड बस और एक और हमारी जीएसआरटीसी की पीआरईसी नॉन एसी स्लीपर बस की बस यात्रा। ये रही मेरे पीछे ही खड़ी जस्ट हमारी आज की यात्रा वाली बस। तो ये है जीएसआरटीसी की ऑरेंज कलर में नॉन एसी स्लीपर बस, जो हमारा रूट रहने वाला है आज का मांडवी से अंबाजी। एंड टू एंड हम जर्नी करेंगे, तो दिखाता हूँ कैसे डेकोरेशन की है, कैसा मॉडिफिकेशन किया है इस वाली बस में, और पूरी जर्नी में आपको दिखाऊंगा कितने स्टॉप्स है, कितना फेयर लगता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ से इस वाली बस के खुलने का टाइम है राइट 6:30 का। ज्यादा टाइम न गवाते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रही हमारी जीएसआरटीसी की डेकोरेशन बस और मॉडिफिकेशन वाली बस। आप रूट बोर्ड देख लीजिए मांडवी से अंबाजी। एंड टू एंड हम जर्नी करने वाले हैं, ड्राइवर साहब से मिलते हैं, आपको डेकोरेशन दिखाऊंगा कितना डेकोरेशन किया है, क्या है सब कुछ। अभी फिलहाल आप देख लीजिए इस तरीके से कुछ है मांडवी का बस स्टेशन, और पीछे मांडवी द्वारका भी खड़ी है। इधर चलते हैं ज्यादा टाइम न गवाते हुए। और ये रहे हमारे कैप्टन पायलट, क्या नाम है आपका? अरविंद भाई, आपको प्यार से हका महाराज बुलाते हैं। कितने साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया? 29 साल, मतलब 29 साल इनको हो गया है एक्सपीरियंस। इससे बातचीत करेंगे पूरी जर्नी में। और इस तरीके से कुछ हमारा ड्राइवर कैबिन है, ये हमारे कंडक्टर साहब है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको अंदर से दिखा दूं, देख लीजिए इस तरीके से कुछ अंदर का इंटीरियर है। 2x1 का कॉम्बिनेशन है, ऊपर आपको 15 सोफे मिलते हैं और 30 सीट मिलती है जो पुशबैक है सारी की सारी। चार्जिंग की सुविधा मिलती है, लाइट आप देख लीजिए ब्लू प्लस व्हाइट है। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट हो गया आपका, और कर्टन्स हो गया। अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वाला सोफा परफेक्ट है आपके लिए। अगर डुओ है मतलब कपल है तो ये वाला सोफा आप देख लीजिए, कंफर्टेबल ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लाइट भी मिल जाएगी, चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, सूरेक मिल जाएगा, कर्टन्स मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया बस है हमारी जीएसआरटीसी की नॉन एसी स्लीपर बस। अभी चलते हैं, फिर आपको इस वाली जर्नी में सब कुछ दिखाऊंगा। और ये हमारे एक और फैमिली मेंबर है, क्या नाम है आपका? विनीत भाई, ये भी हमारे साथ आज जर्नी करने वाले, तो आपको इनसे भी बातचीत कराएंगे। और ये है इनके लड़के ही है ना, हमारे जो कैप्टन है उनके लड़के ही है। तो चलते हैं अभी। पच्चीस साल पुराना ये ब्रिज है मांडवी का, मांडवी का। हमारे कैप्टन साहब ये मांडवी के बारे में हमको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ये वाला पुल जो है 125 इयर्स ओल्ड है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कंडक्टर साहब, क्या नाम है आपका? बापना जिया करी मोहम्मद। ओके, हमारा जो रूट कौन सा रहने वाला है? हमारा रूट मांडवी से अंबाजी वाया पूछ होके जाती है,
उसके बाद अंजार आता है, उसके बाद आदिपुर, गारीधाम, बचाओ, सामाखेड़ी और राधमपुर, वाया डिस्सा होके पालमपुर, दांता अंबाजी। बरो, ये वाला हमारा रूट है। कितना किलोमीटर का होता है ये मेरे ख्याल से? 512। सो अभी टिकट ले लेते हैं, लास्ट तक दे देना अंबाजी तक। ये वाली हमारी टिकट है मांडवी टू अंबाजी, किलोमीटर यहाँ पे 512 किलोमीटर है और टोटल मुझे फेयर लगा है स्लीपर का 446 रुपीस लगा है। सुबह कितने बजे छोड़ेगी हमको अंबाजी? 6 बजे तक, 6:30 बजे के आसपास। आठ बज के 17 मिनट हो रहे और अभी हम पहुंचे हैं भुज, और ये रहा भुज का नया बस पोर्ट। आप देख लीजिए, न्यूली जस्ट ओपन हुआ है भुज बस पोर्ट और हमारी गाड़ी 11 नंबर के प्लेटफॉर्म पे लगी है। बढ़िया बस पोर्ट यहाँ पे बनाया है, काफी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड है, बस स्टैंड में आपको मिल जाएगी। भुज पोरबंदर जा रही है JSRTC की ऑर्डिनरी एक्सप्रेस बस। मांडवी से निकलते ही जस्ट ये पहला हमारा जो है बस स्टेशन आता है भुज। हमारी जो इस वाली गाड़ी में जो भी डेकोरेशन होगी वो आपको मैं होल्ड हमारा होगा वहाँ पे आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए इस तरीके से कुछ रात का माहौल है भुज बस पोर्ट का। जो है अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे आप बनाए हैं और काफी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती है। 15 प्लेटफॉर्म है टोटल। आप JSRTC की वॉल्वो AC स्लीपर खड़ी है, हमारी बस यहाँ पे खड़ी है, ऑर्डिनरी एक्सप्रेस काफी सारी बस और पैसेंजर भी यहाँ पे बैठे हैं, वेटिंग कर रहे हैं अपनी बसेस का। काफी खूबसूरत ये बस पोर्ट है। वैसे ये बाहर का नजारा है भुज बस पोर्ट का। जैसल तोरल की समाधि यहाँ से और अभी बस स्टेशन की ओर जा रहे हैं। दस बजने को आए और अभी हम पहुंचे हैं अंजार। आप देख लीजिए ये है अंजार का बस स्टेशन और हमारी जो है JSRTC की नॉन AC स्लीपर बस और साथ ही साथ JSRTC की AC वॉल्वो खड़ी है जो जा रही है भुज से कोडिना। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा लंबी जर्नी है, चलते हैं। यहाँ पे जो पैसेंजर उनको बोर्ड करते हैं, बस लगा रहे गाड़ी को।
तो दोस्तों 10:15 हो रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं आदिपुर। आप देख लीजिए, यह है आदिपुर का बस स्टेशन। काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे और यहाँ पे JSRTC की ऑर्डिनरी बस आ चुकी है अहमदाबाद से मांडवी जा रही है और हम लोग मांडवी से आ रहे हैं और निकलते अभी यहाँ से गांधीधाम की ओर। गांधीधाम का रेलवे स्टेशन और जस्ट उसके बगल में हमारा बस स्टेशन है। साढ़े 10 है और अभी हम पहुंचे हैं गांधीधाम बस स्टेशन। ये रहा JSRTC का ब्रांड न्यू पर्पल कलर में नॉन एसी स्लीपर बस जो मुंद्रा से जा रहा है आनंद। अभी ये 6 मॉडल है और हमारा जो ओल्ड पुराना मॉडल ऑरेंज कलर में, तो दोनों में से कौन सा बेटर है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी आ चुका है माता का मठ जाम जोधपुर। ये JSRTC की ऑर्डिनरी बस है। तो दोस्तों ये पूरा दिख रहा है वो है गांधीधाम। रीच पर से पूरा आपको गांधीधाम दिखेगा। ग्यारह बज के 13 मिनट हो रहे और अभी हम पहुंचे हैं बचाओ। ये देख लीजिए बचाओ का बस स्टेशन। 9 के प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी लगी है, बस निकल रहे अभी 1 मिनट में ही। बचाओ का गेट अभी जाऊंगा। तो दोस्तों रात के करीब 11:30 है और हमारी जर्नी का ऑफिशियली फर्स्ट होल्ड आ चुका है। आप देखिए जो होटल चामुंडा कृपा है बचाओ के बाद 2-3 किलोमीटर आगे ही है और यहाँ पे 10-15 मिनट खड़े रहेंगे। जिसको फ्रेश होना है वो फ्रेश हो जाएंगे और जिनको चाय पानी करना है वो चाय पानी करेंगे। तो अभी गाड़ी रुकी है तो मैं आपको गाड़ी का जो डिटेल वाइज डेकोरेशन है मॉडिफिकेशन है वो आपको दिखा देता हूँ, एक एक डिटेल्स वाइज आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख लीजिए ये रही हमारी JSRTC की ऑरेंज नॉन एसी स्लीपर बस। बाहर से कुछ ऐसा लुक आ रहा है हमारी गाड़ी का और यहाँ पे रूट बोर्ड हो गया और यहाँ पे इंजन में लाइट है। जिन्होंने ये गाड़ी को सजाया है उनको बुला लेते हैं स्पेशली। तो आ जाइए, कैसे है? ये हमारे जो कैप्टन है उनके लड़के ही है, तो इन्होंने पूरी गाड़ी को सजाया है तो आपको ये बारीकी से बताएंगे क्या क्या सजाया है, क्या क्या डिटेल्स है। तो बताइए आगे क्या क्या सजाया आपने? जामनगर से मंगाया है। मंदिर, ये मंदिर सब लाइट डलवाइए, ये पूरा प्राइवेट में ये बम्पर बनाया है, ये तोरण लगाया है, झालर है। मम्मी ने घर पे आपकी मम्मी ने वॉल्वो की व्हील कैप है, ये ब्लू लाइट लगाई है हमने, पीछे भी ऐसा ही हमने वो करवाया है, इधर की ब्लू लाइट हमने ये लगाई है और यहाँ पे भी व्हील कैप आपने। और पीछे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है हमारी गाड़ी का और पीछे जय सोमनाथ जी, हमारे माता जी का नाम है। यहाँ पे व्हील कैप हो गया,
लाइट इधर लगाई है पार्किंग, पहले इधर व्हाइट लाइट थी, हाँ अभी ये ब्लू डाल दी और ये मिलके में नहीं। ओके और अंदर चलते हैं क्या ड्राइवर कैबिन में, तो अंदर आप देख लीजिए हमारा ड्राइवर कैबिन, ये पूरा कैबिन है, नया रूम कोड है, हमने खुद ही बनाया है मांडवी में, ये मांडवी का गरीब बीच है, ये अंबा जी है, ये मंदिर है माँ, हाँ हाँ ये देख लीजिए अंबाजी माता जी का मंदिर है, ये मांडवी बीच है और ऐसा कुछ कलरिंग बोर्ड है, ठीक है। और ये जो हार कहाँ से मंगवाया आपने, वो द्वारका से, द्वारका से, फिर वो झालर आपने घर पे बनवाई है मम्मी के साथ, ठीक है। और ये आपने बता रहे थे कुछ कहाँ से, जामनगर से मंदिर आए, और भी हमने सूरत से मंगाया है। और कितना कॉस्ट आपको लगा है, 15,000 के आसपास। इस साइड जो है दरवाजे में आप देख लीजिए इस टाइप से कुछ मांडवी का बीच है और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है आई लव मांडवी और यहाँ पे जो है विजय पैलेस है मांडवी का, अगर आप जा रहे हैं मांडवी तो ये सब विजिट करना जरूरी, ठीक है। अंदर लाइट है, ब्लू लाइट, व्हाइट लाइट, तो बहुत ही अच्छी गाड़ी आपने सजाई, आपने अकेले नहीं सजाई, अरे वाह, और सजाने वाले इस गाड़ी को आगे, थोड़ा काम बाकी है अभी, थोड़ा परमिशन तो ले लेते हैं अभी डेपो मैनेजर से, बाद में करेंगे वहाँ कुछ। और यहाँ पे हमारे दादाजी को कैसे भूल सकते हैं, हमारे बजरंग बली जी यहाँ पे विराजमान है। तो कैसा लगा आपको ये वाला डेकोरेशन मॉडिफिकेशन, मुझे कमेंट में बताना। तो दोस्तों ये वाला रास्ता सीधा अहमदाबाद की ओर चला जाएगा सामखियारी के बाद, और ये वाला रास्ता सीधा हमारा डीसा राधनपुर की ओर, देख लीजिए इस तरीके से कुछ है। सामखियारी के बाद जो है दो रास्ते चलते हैं, एक चलेगा अपना अहमदाबाद की ओर, दूसरा जो हमारा राधनपुर की ओर, नॉन स्टॉप चलेंगे राधनपुर तक, क्योंकि बीच में जो है कोई भी स्टॉप्स आते नहीं हमारे NH 27। ये पुल के ऊपर से आता है ना, ये यहाँ से घूम के ऐसे गोलबंदर से सिमटा तक ये हाईवे निकलता है, 27 नंबर। हाँ 27 नंबर, हाँ आसाम की चाइना की बॉर्डर तक जाता है ये जो ब्रिज वाला ये जाता है वो अहमदाबाद राजकोट धोती जूनागढ़ भावनगर कहीं भी जाने का है, काठियावाड़ सौराष्ट्र पंजाब हरियाणा यूपी जम्मू कश्मीर हिमाचल कहीं भी जाने का ये वाला मेन रास्ता, ये वाला मेन रास्ता है। ये सामखियारी पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से आदमी किधर गया कोई पता ही नहीं है, उत्तर भारत में गया, ये मध्य भारत में गया, दक्षिण भारत में चला गया, कहाँ चला गया वो, ये सामखियारी ऐसा पॉइंट है, कच्छ के अंदर एंटर होने का ये सामखियारी मेन पॉइंट है।
तो दोस्तों 2:44 हो रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं राधनपुर। आप देख लीजिए राधनपुर का बस स्टेशन है। हमारे साथ साथ चल रही है माधानव मठ वडनगर और ये आ चुके हैं नखत्राणा भुज। 2-3 मिनट खड़े रहेंगे फिर निकलते हैं। चार बज के 18 मिनट हो रहे और भी हम पहुंचे हैं सुबह सुबह डीसा और ये है डीसा का बस स्टेशन और हमारी बस में से काफी सारे पैसेंजर यहाँ पे डिपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आ चुका है अहमदाबाद दिल्ली मेन हाईवे और जस्ट पालनपुर में एंट्री ले ली हमने। सुबह 4:50 हो रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं पालनपुर में। आप देख लीजिए ये है पालनपुर का बस पोर्ट। हमारी बस यहाँ पे खड़ी है और सामने की साइड JSRTC का लग्जरी कोच खड़ा है, पूरी ऑर्डिनरी बस। तो बहुत ही बड़ा ये पालनपुर का बस पोर्ट है। बस निकलते अभी। तो दोस्तों पालनपुर की शहरियों में से निकलते हुए अंबाजी तीसरा घाट यहां से स्टार्ट होता है। ये त्रिशूलिया घाट का जो त्रिशूलिया माता जी है ना उसका मंदिर है।
तो दोस्तों सुबह के 6:11 हो रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं 51 शक्तिपीठों में से एक धाम अंबाजी में। तो आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये है अंबाजी का बस स्टेशन। काफी सारी जीएसआरटीसी की बसेस खड़ी है। हमारी जो डेकोरेटेड बस है मांडवी अंबाजी, उसको पार्किंग में लगा दिया है। वहां से 6:30 हम निकले थे और अभी 6:11 ऑन टाइम ही हमारी गाड़ी चली है। जो भी बस स्टेशन है मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है और 512 किलोमीटर की जर्नी हमने कुछ 12 घंटे में तय की है। माता जी का जो गब्बर है यहाँ से, फिर यहाँ पे आपको मंदिर पास में है, जस्ट बगल में मंदिर है। थैंक यू कैप्टन। ओके हमारी जो गाड़ी है वापिस कितने बजे जाएंगे मांडवी की? आपको 7:15 एक दिन। और यात्रा हमारी मंगल में करने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा लगा ने आपको, मजा आया ने? बहुत अच्छा लगा। जय अम्बे। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनके साथ यात्रा करने में। साथ ही साथ आप देख लीजिए सूरत अंबाजी खड़ी है। काफी सारे लॉन्ग रूट से जीएसआरटीसी की बसेस आई है। जीएसआरटीसी की डेकोरेटेड सीरीज के एपिसोड नंबर 5 को यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। अभी मिलता हूँ एक और डेकोरेटेड बस के साथ एपिसोड नंबर 6 में। तब तक के लिए जय हिंद।